ये दिन में सिर्फ 2 बार बाल बनाती है, एक बार सुबह उठते हुए और एक बार रात को सोने से पहले। रात तक मैं 1-2 घंटा सोऊंगी नहीं ना तो मेरा ये हैंगओवर उतरेगा ही नहीं। तो ये तो खा लो, ये हमारे घर के 2 हनुमान प्रसाद का भोग लगाते हुए। सुबह 9 बजे मौसी नाश्ते में क्या बनाया, मौसी 11 बजते नहीं आज लंच में क्या बनाओगे, मौसी लंच निपटता नहीं है, मौसी डिनर में क्या बनाओगे। मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और आज है 30th मार्च, रामनवमी, तो मेरी तरफ से आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी बज रहे हैं 8, ऑलमोस्ट पूरे 8 बज चुके हैं, मैंने अभी बस साफ सफाई की है, नहा के आई हूँ और अब फटाफट बनाएंगे प्रसाद क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, 8 ऑलरेडी बज चुका है, पता नहीं अब मेरा काम कैसे खत्म होगा। स्टे विद मी। ओलो, जब तक तुम लोग उठोगे नहीं ना प्रसाद नहीं मिलेगा किसी को, नहाने धोने का कोई नाम नहीं है तुम तीनों का। हाँ ले और सीधा नहा ले। चीनू, दिब्बू कब तक सोएगी यार? नहीं 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 करेगा, जा जा तेरे को नीचे बुला रहे हैं, जा दादी बुला रहे तुझे, उतो क्या तेरे को बुला रहे, पूरी खाने के लिए, पूरी खाने के लिए नहीं खाने के लिए नहीं। सो फाइनली पूजा मैंने कर ली है, शूट वगैरह मैंने कुछ नहीं किया बिकॉज बहुत ज़्यादा हॉचपॉच हो रहा था, यशवंत का भी आज ऑफिस था और मुझे प्रसाद देने भी जाना था बाहर कंजकों को, तो मैंने फटाफट प्रसाद उनका रेडी करके सबसे पहले मैं उनको दे आई और उसके बाद मैंने पूजा वगैरह सब किया बिकॉज यशवंत बहुत लेट हो रहा था ऑफिस के लिए। तो बच्चे अभी नहा रहे हैं, उसके बाद हम लोग भी खाएंगे प्रसाद और बस स्टे विद अस। बाल तो कंघी तो कर लेता कम से कम, अपनी जुल्फे तो ऊपर कर, आगे खोलते हैं, भगवान तुम्हें बुद्धि दे। पैर छो, पैर कौन छुएगा? डाकू मंगल सिंह, ये तो डाकू मंगल सिंह वाला टीका लगा दिया। पैर छो, बुद्धि दे, तुझे तो बहुत ज्यादा बुद्धि की जरूरत है। अरे ये क्या? हमारे घर के 2 हनुमान प्रसाद का भोग लगाते हुए फिनिश करना है, इसको छोड़ना नहीं है प्रसाद को प्लेट में, ठीक है संचित तुम्हें बोल रही हूँ, खासकर मैं। चनू ने तो खा लिया ऑलमोस्ट, हलवा रह गया बस, साथ में मिक्स करके खाएगा फिर टेस्ट आता है हलवा और छोले का। हलवा जो होता है ना आपका एकदम टेस्टी होता है, वो तो मुझे पता है। चलो रही हूँ दिव्यांशी का वेट, मैडम गई हैं अभी नहाने के लिए, उसके बाद हम भी खाएंगे प्रसाद, है ना। तो तू नानी के घर पर नहीं खा रहा था इतना, नानी के घर तो नहीं खा रहा था तो इतना, क्यों क्यों नहीं खा रहा था नानी के घर में इतना, है नानी के घर में जब ये था भाई साहब, इतने ड्रामे खाने के,
और यहाँ पे देखो मौसी, मौसी सुबह 9 बजे, मौसी नाश्ते में क्या बनाया, मौसी 11 बजते नहीं आज लंच में क्या बनाओगे, मौसी लंच निपटता नहीं है, मौसी डिनर में क्या बनाओगे। तुम अपने घर में क्या करते हो, 2 दिन पहले का मेन्यू डिसाइड कर लेते हो? हाँ। 2 दिन पहले डिसाइड हो जाते क्या होता है। ये सुबह नाश्ता करता है और अगले दिन का पूछता है मौसी कल क्या बनाओगी। मेरी खांसी बढ़ गई है, कल रात को आइसक्रीम निपटाई है खूब सारी, पहले ये तो खा लो। वेलकम बैक। सो प्रसाद वगैरह सब हमने ले लिया है और बस अब प्रसाद खाने के बाद, पूड़ियाँ खाने के बाद, एज ऑलवेज जैसा मेरे साथ होता है, जैसा होता आया है, मुझे अब नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। एकदम से पूड़ियों का जो नशा चढ़ता है ना, नींद वाला नशा, वो चढ़ने लगा है मुझे। अब जब तक मैं 1-2 घंटा सोऊंगी नहीं ना, तो मेरा ये हैंगओवर उतरेगा ही नहीं। तो ना मैं थोड़ी देर जा रही हूँ नैप लेने के लिए, उसके बाद देखते हैं। आज शाम को प्लान है स्टेडियम जाने का, क्योंकि घर में बच्चे आए, जैसा कि मैंने दिखाया था मेरी सिस्टर के बच्चे आए हुए हैं, तो अभी उनके एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए हैं, तो वो लोग छुट्टियाँ स्पेंड करने आए हैं यहाँ पर। तो बस देखते हैं उनको लेके शाम को कहाँ जाते हैं। फिलहाल मैं लेती हूँ 1.5 घंटे का तगड़ा नैप, क्योंकि उसके बाद बच्चा पार्टी सोने नहीं देगी। अभी सब नीचे खेलने गए, नैप ले लो, बढ़िया है। सो गाइज फाइनली मैंने 1-2 घंटे की नींद ली, ले ली है। हाँ 1-2 घंटे की नींद ले ली। मेरा इतना सिरदर्द हो गया था ना पूड़ियाँ खा के, फिर से आर्मी वाली साड़ी, ओ इसका शुरू है फुल ऑन लगा हुआ उसके साथ। कुछ नहीं कर रही है दीदी, कुछ ले जा बना रही है, खेली तो रही है। फटाफट बना लेती हूँ 1 कप चाय। दिव्यांशी चाय पिएगी? हाँ। 1 कप चाय, बिस्कुट, वो क्या होता है बिस्कुट, बिस्किट, बिस्कुट, बिस्कुट। बना चाय आज दिव्यांशी बनाएगी। नहीं आता तो सीखो। नहीं हमें भी कुछ नहीं आता था, हमने भी सीखा है कल कर तभी आज के जन्मती होती सुजान जैसे भी आवाज जाते सिर पर पलट में पड़त है शाम। आज दीपू बनाएगी हमारे लिए चाय, नहीं आती तो सीख ले तेल, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तू चाय बना रही थी शायद? हाँ। आवाज तो नहीं लग रहा तेरे, ये मलाई नहीं होनी चाहिए, मलाई नहीं होनी चाहिए। हमें तो इतना, मेरे को तो मलाई इतनी अच्छी लगती थी बचपन में भी ना, मम्मी जब हम स्कूल जाते थे ना तो मम्मी परांठे के साथ हमें मलाई देती थी, देसी घी मतलब, और वो घी चीनी और मलाई, बाहर कैसे मौसम हो गया ना, बारिश शुरू होने वाली है फिर से, इस बार सही हो रहा है, जैसे गर्मी पड़ रही है हल्की सी बारिश शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम क्या डालते हैं, हमें 2 कप चाय पीनी है, तो मैंने 1 कप पानी डाला, 1 कप दूध डाल दी, अब इसमें मैं 2 पत्ती 2 चम्मच चाय पत्ती डाल दूंगी। बोलते ऐसे में मेरे को सब याद रहेगा। अरे तो अगर तू 2 कप चाय बना रही तो 1 कप पानी 1 कप दूध हाफ हाफ रेशियो है, मैं डाल रही। अब इसमें 1 कप दूध डाल दो पूरा। तो यहाँ बना रही हूँ मैं आज बच्चों के लिए आलू के गुटके, मतलब आलू को मैंने बॉईल कर लिया और यहाँ पे मैं बस उनको ऐसे फ्राई कर रही हूँ और फिर नमक मसाले डाल के, चाट मसाला डाल के इसको थोड़ा सा सूखा सूखा ड्राई ड्राई बनाएंगे, तो रोटी और पराठे के साथ बच्चे खा लेंगे इसे। और थोड़ी सी दाल बची है यहाँ पे मेरे लिए, मूली की सब्ज़ी हो जाएगा। और यहाँ पे ये दोनों भाई साहब हमारे घर के, घर पे टेनिस खेल रहे हैं। इन दोनों ने घर में जो हुड़दंग मचा रखा है ना, मैं क्या ही बताऊँ, सुबह से लेकर रात तक इनका फुल लॉन चालू रहता है। गाइस वेलकम बैक। सो डिनर वगैरह सब हमारा हो चुका है और बस अभी हम लोग बैठे हैं, गपशप मार रहे हैं, और हमारी दिव्या मैडम यहाँ पे लगी हुई है बाल बनाने में। ये दिन में सिर्फ 2 बार बाल बनाती है, 1 बार सुबह उठते हुए और 1 बार रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले भी ये बाल जरूर बनाती है और सुबह उठते सबसे पहले बाल बनाती है। ब्रश करे ना करे, ब्रश करे ना करे लेकिन सुबह उठते ही बाल जरूर बनाती है और रात को सोने से पहले। क्यों भाई, BTS आर्मी का रूल है के? ये भी BTS फैन है। तो बस अभी ना मेरा गला भी पक गया क्योंकि मैंने खा ली आइसक्रीम। हाँ फेवरेट कर रहे क्या, खास खास के। अभी छत में वॉक करने चलना है क्या, थोड़ी देर चलना है?
आज हवा बहुत मस्त चल रही है यहाँ नोएडा में, बारिश वारिश भी होती है तो मौसम बहुत अच्छा हो गया। उत्सव कम यार बेबी कम। और उत्सव का ये क्या लिया उत्सव ने हाथ में, क्या है दिखाओ सबको। आर्मी वाली गाड़ी है मेरे हाथ में। आर्मी वाला ट्रक है ये, वाह। किसने दिलाया आपको? मेरे दादू ने दिलाया है। अच्छा। ये कोई मामूली आर्मी ट्रक नहीं है। अच्छा कौन सा ट्रक है फिर ये? ये हॉपिट, ये नस वाला ट्रक। ये कोई मामूली ट्रक नहीं है दोस्तों। नहीं, ये कोई मामूली ट्रक नहीं है। किसका ट्रक है ये? मेरा है। ये उत्सव सिंह का ट्रक है। चलो दिव्यांश थोड़ी देर वॉक कराते हैं छत पे। मुझे तो थोड़ी देर हम लोग वॉक कराते हैं छत पे क्योंकि यशवंत जी चल रही है साथ वाले रूम में कॉल, शोर निकल चल रही है साथ वाले रूम में कॉल, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ी देर वॉक ही कराते हैं छत पे। चले लेट्स गो। मौसम कितना मस्त हो रहा है आज, बाप रे वाओ लवली। दिख रहा है मेरा कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर रहा बट आई कैन शो यू, वाओ इतनी मस्त हवा चल रही है ना। बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं। हमारा तो नहीं है, लाइट भी चली हुई है, लाइट भी नहीं जल रही है। यार ठंडा लग रहा है पूरा, शिवरिंग लग रही है मुझे तो। हैं? हाँ हो सकता है। इन बच्चों